ये एक एक सिंपल सा एक बेसिक सा एक चैट बॉट ही है। इस चैट बॉट को अब मैंने इंटीग्रेट करना है, सही है। तो कहाँ से इंटीग्रेट करें? सबसे पहले हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसकी टेलीग्राम से, सही है। एक सोशल तो क्योंकि टेलीग्राम बहुत क्विकली हो जाता है, इसलिए मैं टेलीग्राम का वेब डेमो आप कर चुके हैं, डायलॉग फ्लो मैसेंजर आप लोग खुद से कर चुके हैं, इतना ईजी है कि मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फेसबुक मैसेंजर भी बहुत ईजी है, लेकिन फेसबुक मैसेंजर में वो अप्रूवल वगैरह थोड़ा चाहिए होता है। वेल, तो मैंने टेलीग्राम पे क्लिक किया, ठीक है। ये इसका वन क्लिक इंटीग्रेशन है। बेहतर ये है कि आप इसको यूज़ ना करें, ठीक है। बेहतर ये है कि आप इसको यूज़ ना करें, लेकिन कर भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। अच्छा, तो देखो इसने अभी क्या बताया। इसने बोला कि भाई बिल्ड अ कन्वर्सेशनल बॉट फॉर टेलीग्राम। When your Dialogflow agent is ready to follow these instructions, connect it to your Telegram bot. Get a Telegram access token from bot father and insert to the Telegram token field and click start below. कह रहा है भाई टेलीग्राम में जाओ, एक अदद होगा bot father, और bot father से जो है ना टेलीग्राम का टोकन मांगो आप और वो दे दो। मोर इन डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करके मैं क्या कर देता हूँ, मैं कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन में चला जाता हूँ इसके, कि क्या करना है, कैसे करना है। ये मुझे कह रहा है कि भाई आप क्या करो, लॉग इन टू टेलीग्राम ऑन दिस 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 बॉट फादर। तो मैं इसको एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, टेलीग्राम क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बैन है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्लाउड फ्लेयर। अरे यार, ये भी नहीं इंस्टॉल है, चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ रही हैं मुझे। मैंने ज़रा इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने VPN को क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। और VPN इनेबल करने के बाद ये खुलेगा, सही है, चुप करके खुल गया। ये अभी देखो, सेंड मैसेज। चल भाई आगे बढ़ यार, पता नहीं हिल ही नहीं रही है, क्या हुआ इसको। बॉट फादर है यार, एक काम करता हूँ मोबाइल में ही करता हूँ, ये कुछ इसमें गड़बड़ है। अच्छा, तो ये ऐट द रेट बॉट फादर है ना, इस पर मुझे क्या करना है, मैसेज भेजना है। ये एक बड़ा बॉट है, सारे बॉट का पप्पा है, ये अब्बू है, सही है। जितने भी बॉट हैं उन सारे बॉट का ही अब्बू जान है। तो इन अब्बू जान के पास जाते हैं, ठीक है। मैंने लिखा सर्च में जाके ना, मैंने लिखा बॉट फादर। हाँ, ये मोबाइल की स्क्रीन में शेयर करता हूँ, ज़रा एक दफ़ा वो निकाल लूँ ना, ताकि वो पर्सनल मैसेजेस ना हो। अच्छा, ये मैं अभी शेयर करने लगा हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन। अच्छा, ये आ गया, स्टार्ट का बटन मैंने दबाया नीचे, तो ये हो गया स्लैश स्टार्ट। अब ये बहुत सारी बातें कर रहा है, कह रहा है भाई न्यू बॉट अगर आपको बनाना है ना, तो आप लिखो स्लैश न्यू बॉट, सही है। तो हमें एक न्यू बॉट क्रिएट करना होगा सबसे पहले। तो मैंने कहा कि भाई स्लैश न्यू बॉट, क्रिएट अ न्यू बॉट हो गया। ऑल राइट, अ न्यू बॉट, हाउ आर गोइंग टू कॉल इट। अब देख रहे हो, ये बॉट बनाने का प्रोसेस भी चैट बॉट के ज़रिए हो रहा है ना। तो ये वजह है टेलीग्राम मैंने चूज़ किया, कि इसमें कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। दूसरा, टेलीग्राम बैन है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, बट वो डायरेक्ट करते हैं, वो होता नहीं, वो कहते हैं पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, तो नेम इट। अच्छा, मैंने कहा कि भाई माई न्यू टेलीग्राम। अभी इस पर ना, इस नाम पे ये देगा एरर अब, ठीक है। इसने क्या बोला कि लास्ट में जो है ना भाई, होना चाहिए आपके बी ओ टी बॉट, लास्ट के तीन कैरेक्टर बी ओ टी बॉट होने चाहिए। तो मैं अब इसको नया नाम दूंगा, माई
न्यू बॉट, ठीक है, अब इसको मैंने भेजा, अब अच्छा दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, मलिक पिज़्ज़ा बॉट, ठीक है ये नाम रख देता हूँ, ठीक है जी बन गया, और ये API एक्सेस टोकन भी आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसको टोकन को मैं कॉपी कैसे करूँ, पूरा मैसेज ही कॉपी कर लेता हूँ, और पूरा मैसेज कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया ना, तो इसमें से वो कैसे निकलेगा, हाँ ये टोकन यहाँ से ना, हाँ यार VS कोड पे करते हैं, समझ ही नहीं आ रहा उसमें, सही तो ये हमारा टोकन आ गया, कॉपी कर लिया इसको मैंने, नंबर के साथ है, हाँ नंबर भी बीच में स्पेशल कैरेक्टर भी है थोड़ा, ऐसा कुछ बोला तो नहीं है उसने, उसने बोला बस टोकन पेस्ट कर दो, टोकन है, अच्छा स्टार्ट का बटन प्रेस कर दिया मैंने ये टोकन दे के उसको, अब अगला काम कह रहा है कि भाई ये न्यू वॉल्ट करो, ठीक है टोकन वोकन मांग लिया हमने उसने, सेटिंग अप डायलॉग फ्लो, यहाँ पे वो टोकन पेस्ट किया, स्टार्ट का बटन दबा दिया, बस अभी आपका बॉट हो गया रेडी। अब इस बॉट से मैं बात करूँगा ना, जब जो मैंने नाम रखा था ना उस नाम से एक टेलीग्राम पे एक नया यूज़र क्रिएट हो गया एक्चुअली, ठीक है उस नाम से टेलीग्राम पे एक यूज़र क्रिएट हो गया नया, अब उस यूज़र को जब भी कोई मैसेज करेगा ना मैसेज इधर पहुँचेगा डायलॉग फ्लो के पास, ठीक है तो उस यूज़र को मैं जल्दी से पहले तो ये नहीं, अभी मैं वही तो दिखा रहा हूँ वापस, मलिक पिज़्ज़ा बॉट ये लिखा था मैंने नाम, अभी मैं दोबारा अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इधर, अच्छा ये जो इसने बॉट बनाते हुए ना ये मुझे बोला ना कॉन्ग्रेचुलेशन योर न्यू बॉट इज दिस 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 फाइंड इट t.me/MalikPizzaBot, तो इस पे मैं इस URL पे क्लिक करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली मुझे इस पे ले जाएगा ये, अब यहाँ स्टार्ट का बटन मैंने दबाया तो समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन सर्वर, क्योंकि स्लैश स्टार्ट पे तो मैंने कोई बात नहीं लिखी हुई है ना, तो मुझे वेलकम इंटेंट पे ये ट्रेनिंग फ्रेज डालना पड़ेगा स्लैश स्टार्ट, तो फिर ये वेलकम पकड़ेगा उसको, अच्छा खैर मैंने हाय बोला है उसको, समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों आ रहा है, वेल कनेक्ट हो गया, समथिंग वेंट रॉन्ग का मतलब है कि मेरे डायलॉग फ्लो से ही रिस्पॉन्स आ रहा है, वो क्या रिस्पॉन्स में एरर है वो ज़रा इधर आके देखते हैं ना, अच्छा वो नहीं असल में ये, अच्छा नहीं वो ये वो डिस्कनेक्ट हुआ है ना मेरा सर्वर डिस्कनेक्ट हुआ हुआ था, मेरा सर्वर जो है ना वो MongoDB डिस्कनेक्ट होकर क्रैश हुआ हुआ था, क्योंकि मैंने वो VPN लगाया ना तो उससे उसको गड़बड़ हो गई है, हाई पर तो चलना चाहिए ना यार, क्योंकि हाई का जवाब सीधा सर्वर से आता है, ये आ गया हाई का जवाब सही ना, ठीक है अब मैं इसको जो भी बात बोलूँगा वो सारा सेम ही है, मैंने कहा भाई ऑर्डर पिज़्ज़ा, ये जब आप इसको वॉइस भेजते हैं ना तो वॉइस भी इसको मिलती तो है, ठीक है लेकिन वो इस वाले सेटअप में नहीं मिलती, जब भी मैं कह रहा था कि वन क्लिक इंटीग्रेशन में ना पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, इसको बेहतर तो ये है कि इसको आप यूज़ ना करें, सही है आइडियल केस ये कि आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ से जब मैं टेलीग्राम वुड नॉट अलाउड दिस, अच्छा माइक्रोफोन, अब मैं इसको बोलूँगा ना हेलो 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 समथिंग जो भी कोई बात बोलूँगा मैं, तो ये इसको ये चला तो गया यहाँ से, लेकिन डायलॉग फ्लो जो है ना जो पास कर रहा है मेरे वेबुक को वो सिर्फ टेक्स्ट वाला कर रहा है, क्योंकि ये वन क्लिक इंटीग्रेशन है, समझ रहे हो बात, तो वन क्लिक इंटीग्रेशन में ये आपको ना ये वाला नहीं मिलेगा, वॉइस वाला कोई भी फीचर नहीं मिलेगा, इवन दो कि वो MP3 का URL कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है तो अगर आपको वो MP3 मिल जाए Base64 में या फाइल की सूरत में या ब्लॉक की सूरत में तो आप उसको क्या कर लेंगे, आप उसको कन्वर्ट मार लेंगे टेक्स्ट में कन्वर्ट मार के आगे उसको यूज़ कर लेंगे आप, तो ये टेलीग्राम का जो इंटीग्रेशन थी ना वो यहाँ पे आपकी क्या हो गई कंप्लीट हो गई, अब हमने क्या करना है इसको रिएक्ट में करना है ना,